बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब की सियासत के साथ, जिसकी आंच जो है आज दिल्ली पहुंच गई है। जी हां, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री घर के बाहर डीएसजीएमसी और शिरोमणि अकाली दल का प्रदर्शन होने जा रहा है। ये विरोध आम आदमी पार्टी नेता आशीष खेतान की बयानबाजी पर है। अकाली दल यूथ मैनिफेस्टो की तुलना धार्मिक ग्रंथ से करने का विरोध कर रहा है। इससे पहले भी पंजाब में भी इसका विरोध देखा गया था। हालांकि आप नेता आशीष खेतान इस तुलना के लिए माफी मांग चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज कपाही मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या प्रदर्शन शुरू हो गया है और क्या कुछ रणनीति रहने वाली इस प्रदर्शन की आज? मोनिका, 3 बजे के करीब दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी अकाली दल दिल्ली यूनिट की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन होगा। और इस समय हम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर बैरियर लगा दिए गए हैं, ताकि इससे आगे जो है वो प्रदर्शनकारी ना जा पाए। साफ तौर पर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल दिल्ली यूनिट का कहना है कि जिस तरह से यूथ मैनिफेस्टो को लेकर गुरु ग्रंथ साहिब के साथ तुलना की है, वो काफी निंदनीय है। हालांकि आशीष खेतान और आम आदमी पार्टी की तरफ से माफी जरूर मांग ली गई है, लेकिन दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल दिल्ली का साफ तौर पर कहना है कि माफी से बात नहीं बनने वाली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उनके कहने पर ही ये सब कुछ हुआ है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि यूथ मैनिफेस्टो के कवर पेज पर जिस तरह से जो लोगो लगाया गया था झाड़ू का गोल्डन टेम्पल के साथ, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत लगाया गया था। हालांकि कवर पेज पर वो झाड़ू का लोगो हटा जरूर लिया गया है, लेकिन किन किन लोगों ने ये यूथ मैनिफेस्टो बनाया था उनके खिलाफ पार्टी को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आशीष खेतान के खिलाफ पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी, नहीं तो उनका गुस्सा आने वाले दिनों में और ज्यादा भड़क सकता है। और आज आपको बता दें कि डीएसजीएमसी के जो प्रधान मंजीत सिंह जी के उनकी अगुवाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल, क्या कुछ खास तैयारी वहां पर आपको मुख्यमंत्री के घर के बाहर दिख रही है? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मंजीत सिंह जीके की अगुवाई में ये जो है पूरा प्रदर्शन होने वाला है, और लगातार जो है इसका विरोध पंजाब में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन आज दिल्ली में भी इस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, क्या वहां पर कुछ खास तैयारी आपको दिख रही है? बिल्कुल भूमिका, आपको बता दें कि जहां पर हम खड़े हैं वहां से 100 मीटर की दूरी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर है, और यहां पर पुलिस ने जो है बैरियर लगा दिए गए हैं, और थोड़ी देर में यहां पर पुलिस की तरफ से जो है और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि 3 बजे के करीब यहां पर जो घेराव का समय रखा गया है, और अभी से कुछ ही देर बाद जो लोग यहां पर इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग जो है जो सिख समुदाय से जुड़े हुए हैं, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े हुए और अकाली दल दिल्ली यूनिट से जुड़े हुए हैं, वो यहां पर आज मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री के घर के बाहर जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जिस तरह से पंकज हमें बता रहे थे, क्योंकि विरोध जो है लगातार इस पूरे मैनिफेस्टो को लेकर बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए पंकज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूथ मैनिफेस्टो को लेकर आम आदमी पार्टी का विवादों से नाता थम नहीं रहा है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान के खिलाफ अमृतसर में मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि खेतान इस विवाद पर माफी मांग चुके हैं। ये हमारी बाइबल भी है, ये हमारी गीता भी है, और ये हमारी गुरु ग्रंथ साहिब भी है। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान के इस बयान ने उनको अब कानून के घेरे में खड़ा कर दिया है। आशीष खेतान पर आरोप है कि उन्होंने 3 जुलाई को अमृतसर में यूथ मैनिफेस्टो जारी करने के समय अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो की तुलना धार्मिक ग्रंथों के साथ की, जिसके खिलाफ ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष कर्नल सिंह पीर मोहम्मद ने धारा 295A के तहत मामला दर्ज करवाया है। केवल इतना ही नहीं, मैनिफेस्टो में दरबार साहिब की फोटो के नीचे आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, झाड़ू लगे होने की शिकायत भी FIR में दर्ज करवाई गई है। ये एक कर्नल सिंह पीर मोहम्मद है, उन्होंने शिकायत की है कि ये जो इन्होंने यूथ मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें उसकी जो कंपैरिजन है उसका वो धार्मिक ग्रंथों के साथ किया गया है, और गोल्डन टेंपल की फ़ोटो के साथ झाड़ू की फ़ोटो लगाई गई जो इनका पार्टी का सिंबल है। वो उनका मानना है कि इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ऑन दैट बेसिस हमने ये पर्चा दर्ज किया, केस रजिस्टर किया, और उस पर जो बनती कार्रवाई की जा रही है। अमृतसर पुलिस के मुताबिक इस मामले में आशीष खेतान को जल्द ही समन भेजा जाएगा।
और पूछताछ की जाएगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, जल्दी ही समन किया जाएगा। हालांकि इस मामले में आशीष खेतान ने फतेहगढ़ साहब में पहले ही माफी मांग ली थी, लेकिन अमृतसर में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से धार्मिक भावनाओं का केस दर्ज होने के बाद अब ये कानून के दायरे में आ चुका है। इससे पहले मलेरकोटला बेअदबी मामले में पहले से आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक नरेश यादव के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला चल रहा है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। उधर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशीष खेतान ने सफाई दी है कि उनकी मंशा किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की नहीं थी। आशीष खेतान ने कहा है कि वो पहले ही माफी मांग चुके हैं और फिर से माफी मांगते हैं। अमृतसर में आपके यूथ मैनिफेस्टो की तुलना धार्मिक ग्रंथ से करने के विवाद पर आशीष खेतान की तरफ से माफी मांगने के बावजूद यह मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमृतसर में खेतान के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस तो दर्ज हो गया है और इस पर सियासत भी तेज हो गई है। इस बीच एक बार दोबारा से आशीष खेतान ने पंजाब की जनता से माफी मांगी और कहा कि अनजाने में उनके मुंह से शब्द निकल गए थे। भाषण के दौरान एक वक्तव्य पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं तहे दिल से सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। कल भी मांगी थी और वाहेगुरु जी सबको माफ़ी देते हैं। मेरी मंशा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बिल्कुल नहीं थी, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूं। उधर अमृतसर में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज होने पर खेतान ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार को उनकी माफी कबूल नहीं है तो वो कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार है। अगर अकाली सरकार को मेरी माफी नाकाफी लगती है तो जिस सूली पर मुझे लटकाना चाहते हैं वो मुझे लटका सकते हैं। आशीष खेतान के बयान पर जिस तरह से सियासत शुरू हुई है वह जल्दी रुकने वाली नहीं है। हालांकि आशीष खेतान ने इस मामले में माफी मांग ली है, पर अब मामला सियासी गलियारों से निकलकर कानून के दायरे में आ गया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आशीष खेतान माफी मांग रहे हैं और उनकी पार्टी का कहना है कि खेतान ने माफी मांग ली है, उन्हें माफ कर देना चाहिए। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को पंजाब की संस्कृति की जानकारी ही नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से यूथ मैनिफेस्टो की तुलना करके फंसे आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान की पंजाब के डिप्टी सीएम ने जमकर खिंचाई की है। उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी के अधिकांश नेता बाहरी हैं, जिन्हें पंजाब के कल्चर और धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। आप दे लीडर यूपी बिहार तो आए है, उन्होंने पंजाब दी दी कल्चर बारे, पंजाब दे धर्म बारे हले कुछ इन्ना पता नहीं, उस करके वो उन्होंने पता ही नहीं कि सिख धर्म की की मानता है। सिख धर्म के गुरु साहबान की किमें कि बेद भी करते हैं आप भले इन्होंने शर्म होनी चाहिए। पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी ने आशीष खेतान के बयान को मूर्खतापूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों से मैनिफेस्टो की तुलना करना बेहद गलत है। हमारे हिंदू ग्रंथ हैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे किसी और धर्म से संबंधित हमारे ग्रंथ हैं, इनकी एक अपनी जगह है। और राजनीतिक मैनिफेस्टो के साथ उसका उसकी तुलना करना एक मूर्खता है। वहीं पंजाब बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा ने भी आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है और धार्मिक ग्रंथ से यूथ मैनिफेस्टो की तुलना करना शर्मनाक करार दिया है। ये पंजाब का अपमान है, ये पंजाब के गुरु ग्रंथ साहब का अपमान नहीं है, विश्व के गुरु ग्रंथ साहब का अपमान है। भला जिसको इतना ज्ञान न हो कि घोषणा पत्र और पवित्र ग्रंथ साहब में कितना अंतर होता है, वो वहाँ राजनीति करेंगे। जबकि आम आदमी पार्टी इस विवाद पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटी है। संजय सिंह का कहना है कि खेतान माफी मांग चुके हैं और उन्हें माफ कर देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने माफी मांग ली तो धर्म ग्रंथ की जो शिक्षा है, गुरुओं की जो शिक्षा है, संतों महात्माओं की जो शिक्षा है, किसी ने अगर अपनी गलती माफी मांग ली तो उसे माफ कर देना चाहिए। कुरान की बेअदबी और गुरु ग्रंथ साहिब से मैनिफेस्टो की तुलना के विवादों के भंवर में फंसी आम आदमी पार्टी फिलहाल इससे उभरने की कोशिशों में जुटी है।
दिल्ली से पंकज कपाही के साथ सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिल्का। तो आम आदमी पार्टी अब विरोधियों के निशाने पर आ गई है और दिल्ली में भी आज उसकी एक बानगी देखने को मिलेगी। अपडेट आपको लगातार इस पूरी खबर पर देते रहेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेल की। जी हां, वही जेल जिसका नाम लेते ही एक कमरे में बंद जो है अपराधियों की एक झलक आपको दिखती है। आप सोचते हैं कि जेल में क्या होता है और वहां पर किस तरह से कैदी रहते हैं, ये जो अगली रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये कोई शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि झज्जर की दुलीमा जेल है। हाँ, लेकिन ये जेल यहाँ के कैदियों के लिए किसी शिक्षण संस्थान से कम भी नहीं है। यहाँ कैदियों को सुधारने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। झज्जर से 8 किलोमीटर दूर बनी दुलीमा जेल में करीब 1000 कैदी है। जेल पूरी तरह सुविधाओं से लैस है, मानो जेल ना हो कोई बड़ा शिक्षण संस्थान हो। कंप्यूटर कोर्स, तार बाइंडिंग, कारपेंटर, चेयर मेकिंग, मोटर बाइंडिंग, म्यूजिक सेंटर, लाइब्रेरी और टेलरिंग की सुविधा और हर कोर्स के लिए डिप्लोमा। कंप्यूटर है जी, म्यूजिक सेंटर है, यहाँ पर कुर्सियाँ भरी जाती हैं और कारपेंटरी का नया मास्टर जी है, वो काम चालू होगा जी, या पंखे बढ़ते जी हैं। कैदियों के इलाज के लिए जेल के अंदर डिस्पेंसरी की सुविधा भी है, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर जांच करते हैं। हर रोज 80 कैदियों की ओपीडी भी की जाती है। और यहाँ पे पेशेंट देखी जाती है, ओपीडी वगैरह देखी जाती है, यहाँ का मतलब एडमिट भी की जाती है और बाकी जो सीरियस होती है उनको रेफर किया जाता है। तो पर डे की ओपीडी की बात की जाए कितनी हो जाती है? 70-80 पर डे। जेल सुपरिटेंडेंट सुनील सागवान ने बताया कि जेल में अब तक करीब 150 कैदियों को कई तरह के कोर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। जेल में मोबाइल मिलने की शिकायत पर उन्होंने कहा कि जेल में सीसीटीवी कैमरे और जैमर भी लगाए जाएंगे। हमारे यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है इंडिया विजन फाउंडेशन की तरफ से, उनका ट्रेनर आ रहा है और 2 बैच हमारे क्लियर हो चुके हैं और तकरीबन 75 इनमेट्स उसका कोर्स कम्प्लीट करके उनको सर्टिफिकेट दे चुके हैं। दुलीमा जेल में हर तरह की औषधि, अलग अलग फल और सब्जियां भी लगाई गई हैं। 1 एकड़ में एलोवेरा के पेड़ हैं। गर्मी को देखते हुए पक्षियों के पानी पीने के लिए कैदियों ने करीब 200 पेड़ों पर सकोरे लगाए हैं। साथ ही इस जेल में साफ सफाई का खास ध्यान रखा गया है। इस जेल में कैदियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है, जो सरकार की तरफ से एक काबिले तारीफ पहल है। संजीत खन्ना, जी मीडिया, झज्जर। और अब बात करते हैं खुशियों के त्योहार ईद की। ईद का चांद नजर आने के बाद आज देश भर में ईद की नमाज अदा की जा रही है। मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दे रहे हैं। देश भर में ईद को लेकर कई नेताओं ने भी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्योहार ईद के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो चार तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, जहां पर ईद की रौनक आपको देखने को मिल रही है। लगातार जो है ईद की धूम वहां पर देखने को मिल रही है। भाईचारे का संदेश जो है ईद देती है और आज इसी मकसद के साथ ईद मनाई जा रही है। तो चार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और अहमदाबाद की। देश भर में ईद मनाई जा रही है। कल चांद का दीदार हुआ था और श्रीनगर और केरल में कल ईद मनाई गई और देश के अलग हिस्सों में आज ईद की रौनक देखने को मिल रही है। तमाम देशवासियों को लगातार जो है बधाइयों का सिलसिला भी जारी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। आज के दिन लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं, भाईचारे, अपनेपन और प्यार का संदेश देते हैं। तो देश के चार कोनों से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से ईद की रौनक देखने को मिल रही है। तमाम जो लोग हैं वहां पर आए हुए हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, गले लगकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां दे रहे हैं और आज जो है देश भर में मनाई जा रही है। कल केरल और श्रीनगर में भी ईद मनाई गई।
तो देश भर के साथ साथ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी ईद की धूम देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, मेवात की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर सुबह से ही ईद की रौनक देखने को मिल रही है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुबह ईद की नमाज अदा की और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी है और देश में अमन शांति की कामना की है। वहीं हिमाचल प्रदेश की दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, शिमला की ये तस्वीर है जहां पर ईद की रौनक देखने को मिली, वहां पर भी नमाज अदा की गई और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद जो है लोगों की तरफ से लगातार दी जा रही है। तो आपसी भाईचारे, अमन शांति का संदेश आज ईद के दिन दिया जा रहा है। लगातार जो है पूरे देश भर में आज ईद की रौनक देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं मिशन मेडल की। इस बार भारत ओलंपिक में अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। इसमें 100 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं जिनके साथ पूरे देश के लोगों की उम्मीदें हैं। ब्रिस्क वॉक के खिलाड़ी बलजिंदर सिंह ओलंपिक के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बलजिंदर रियो ओलंपिक में 20 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। डेराबसी के रहने वाले बलजिंदर सिंह राष्ट्रीय स्तर पर कई खिताब अपने नाम कर चुके हैं। परिजनों को उम्मीद है कि उनका बेटा रियो ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करेगा। आंखों में खुशी के आस और हाथों में मेडल, ये बलजिंदर की माँ अमरीत कौर है जो आज अपने बेटे की कामयाबी से बेहद खुश है और ओलंपिक में उसकी जीत की कामना कर रही है। 29 साल के ब्रिस्क वॉक के खिलाड़ी बलजिंदर ने ओलंपिक के लिए दूसरी बार क्वालिफाई किया है। बलजिंदर रियो ओलंपिक में 20 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। डेराबस्सी में रहने वाले बलजिंदर सिंह राष्ट्रीय स्तर पर कई खिताब अपने नाम कर चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बलजिंदर की हुई मुलाकात को लेकर माता पिता बेहद खुश है। उनका कहना है कि उन्हें यकीन है कि बेटा मेडल लेकर जरूर भारत आएगा। बहुत ज्यादा खुशी पौन हाथ जगह नहीं है। जो करे आवे च फोटो भी लवाई, हाथ भी मिलाया, हस हस के गलां कर दे, फोटो भी आई, वो तो भी बड़ा चंगा लगा। सानू बहुत खुशी है कि रियो ओलंपिक वास्ते बलजिंदर सिंह सिलेक्ट होया। सानू बहुत खुशी, असीं उम्मीद करते हैं कि जीत के आउण ओलंपिक दे विचों। वहीं लॉन टेनिस की पूर्व खिलाड़ी और बलजिंदर की पत्नी स्वाति भी अपने पति की इस उपलब्धि को लेकर फूली नहीं समा रही हैं। खुशी है कि इतने बड़े मुकाम पे आना एक प्लेयर के लिए सपना होता है। हर प्लेयर ये चीज अफोर्ड नहीं कर पाता बाय इकोनॉमिकल कंडीशन, बाय कोचिंग कंडीशन, बट उनको सभी फैसिलिटीज दी गवर्नमेंट, बाय पेरेंट्स, वो आज इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। एक इंडिया में बेस्ट एथलीट निकलना बहुत खुशी की बात है। हमें, हमारे सारे रिलेटिव्स को, हमें बहुत प्राउड है उनके ऊपर कि वो आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर। दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले बलजिंदर की नज़र सिर्फ गोल्ड पर है। वो इस बार गोल्ड लाकर अपने गांव और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं और इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं इस मुकाम को हासिल करने के लिए बलजिंदर के परिवार के साथ देश के 165 करोड़ लोगों की दुआएं भी उनके साथ है। रविंद्र सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। और इसके साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।